भीम जी। अरे भाई, अरे पहले क्या हुआ, क्या हुआ यार? चुप चुप चुप। अरे मैं जुलकर सलमान तो नहीं है यहाँ पे, डर रहा हूँ मैं। क्यों, क्या हुआ सर? नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है यार, वो स्टार मार देगा तो सारा काटता है, ट्विंग 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 काट के सारा पूरा सैंडविच बना देता अपना यार, बर्गर सैंडविच काट देता एकदम से यार, बहुत डर लग रहा है मम्मी। अरे चश्मा भी उड़ रहा है ना सर, आपने पहले भी स्टार बहुत दी। अरे सर मेरे स्टार दिए, मालूम नहीं ऐसी कुत्ते की धुलाई होती है यार, कटिंग पटिंग फुटिंग क्या काटता है यार, क्या क्या काट देता है क्या मालूम। इसके बाद स्टार नहीं है यार, इसके स्टार नहीं भाई, मैं कान पकड़ रहा हूँ दुलकर सलमान, किधर है दुलकर सलमान भाई, इसमें छुपा तो नहीं है भाई, हेलो। अरे भाई चल मेरे को छोड़, घर पे छोड़, मेरे को चार बिग फैन ऑफ मिस्टर आर बालकी सर, मैंने जब चुप पिक्चर का पोस्टर ही देखा, ट्रेलर देखा, आर बालकी पढ़ा, आई एम अ बिग फैन ऑफ मिस्टर आर बालकी बिकॉज मुझे उनकी सब पिक्चर पसंद है। मैंने उनकी ऑलरेडी फर्स्ट पिक्चर मूवी देखी थी चीनी कम्स, अमिताभ बच्चन और तब्बू की, सेकंड मूवी में उनकी पा देखी थी अभिषेक सर के साथ, फिर मैंने उनकी कीका देखी थी अर्जुन कपूर और करीना कपूर, और पैडमैन हाल ही में लास्ट मूवी उनकी थी अक्षय कुमार की, जो कि बहुत अच्छी पिक्चर थी। तो आर बालकी के हर अलग नया सब्जेक्ट ला के देते, एवरी सब्जेक्ट इज़ डिफरेंट टू अनदर मूवी, उनकी कभी कोई पिक्चर सेम नहीं रहती, एवरी सब्जेक्ट इज़ डिफरेंट। तो मैंने हाल ही में भी चुप देखा, अभी देखे हैं मैं, बहुत अच्छी लगी मुझे चुप, बहुत ही अच्छी लगी। क्रिटिक के ऊपर इन्होंने पूरा प्लॉट है कि मैं एक्सेप्ट करके नहीं किया था कि ये मूवी चुप ऐसी रहेगी, मैंने जब नाम सुना तो मैं कुछ माइंड में अलग स्टोरी जमा ली, लेकिन मैं जैसे ही देखा इस पोस्टर के अंदर तो खजाना निकला, क्या क्या मतलब, क्या डायरेक्शन किया, क्या प्लॉट लिया क्रिटिकों के ऊपर, क्रिटिकों की हवा निकल जाएगी कि क्रिटिक लोग जो भी है मनमानी जगह कुछ भी मन से स्टार देते, यूट्यूबर्स है ये है या जितने भी है सोशल मीडिया है, आर बालकी ने ये पन्ना खोल के दिखा दिया, क्या बात है, पेपर ओपन करके दिखा दिया, क्या बात है। और कहा ना कहा अभी इस पिक्चर को देखने के बाद हर क्रिटिक की फट जाएगी, ये तो मैं खुला बोल रहा हूँ, क्या बात है। कि अभी उनके घर में अगर अभी बैल बजेगा ना तो उनकी पहले घंटी बजेगी बाद में बैल बजेगा, इतना डेंजर दिखाया कि मैं तो खुद डर गया, कि मैं खुद सोचने लगा सारा मैं भी हर मूवी जाता हूँ स्टार दूँ कि नहीं दूँ, मेरी खुद की हवा टाइट हो गई। अरे बाप रे। हाँ सर, चलो ठीक है, काम के बारे में बात करते हैं, सनी देओल काफी टाइम के बाद बड़े पर्दे पे आए हैं, उनके काम के बारे में क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलूंगा, सनी देओल ने जब बोला था बास्टर्ड तो मुझे वो घायल का मूवी याद आ गया, घायल मूवी, घातक मूवी, सनी देओल का वो जमाना था जब हम लोग थिएटर्स में जाते थे, हाउसफुल का बोर्ड लगा था, तो वो घायल और घातक की मुझे सीन याद आ गए। और दुलकर सलमान इज़ ऑन हैट्रिक, उन्होंने सीतारामम में तो सुपर काम किया एज ए रोमांटिक चॉकलेट हीरो, और इसमें उन्होंने एक साइकोलॉजी किलर का काम किया, मुझे लगता है कहाँ ना कहाँ दुलकर सलमान ऑन हैट्रिक, तीसरी मूवी भी उनकी आएगी और हिट होगी, और वो बंदा तो अभी फॉर्म में है सर, उनकी एक पिक्चर पहले ऑलरेडी चल रही है और दूसरी मूवी भी लग गई, दो पिक्चर उनकी थिएटर में ऑलरेडी चल रही है सर। क्या बात है, ओए तूने मेरे तो बारे में बोल दिया, दुलकर सलमान के बारे में क्या कहना रहेगा? सर आप तो सनी देओल का स्टाइल मार रहे हैं भाई, मेरी खुद की हवा बंद हो गई तो अभी, लेकिन दुलकर सलमान सर ने बहुत अच्छा एक्टिंग किया है, मैंने आपको पहले भी एक सीताराम में एक इंटरव्यू बोला था कि उसको नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए, अगेन ही हैज प्रूव ही इज़ अ सुपर एक्टर, टैलेंटेड एक्टर, सुपर, उन्होंने अपना काम खूब बहुत 100% दिया, बहुत ही अच्छा काम किया है। और वो श्रीन धन नाम उनका, मुझे याद नहीं, श्रिया धनवंतरी का न्यू एक्टर है मुझे लगता है, मैंने उनको कोई मूवी में देखा नहीं है, पहली मूवी इमरान हाशमी के साथ आई, शी इज लुक गॉर्जियस इन सम, अच्छी दिख रही है वो, मुझे कहा ना कहा उनका लुक्स अच्छा लगा, नॉट बैड, ओके ओके, जितना उनको काम दिया उन्होंने भी अच्छा काम किया। और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम 22 ईयर्स पूजा भट्ट शी इज़ बैक, पूजा भट्ट ने भी जितना काम दिया उन्होंने भी अच्छा किया है, उनकी मैं बहुत पिक्चर देख जाऊँ, उनका भी फैन रह, उन्होंने तमन्ना की है, डैडी की है, सड़क की है, और फिर बहुत सारी पिक्चर की है, दिल है कि मानता नहीं अमीर सर के साथ की है, तो पूजा भट्ट तो इस फिल्म लाइन में बहुत जूनी है। तो कहा ना कहा आर बालकी ने जितने भी कैरेक्टर को डिस्क्राइब किया है सब अपने जगह पे एकदम परफेक्ट किया, और सनी देओल को जो रखा है पुलिस का ऑफिसर उनको बहुत सूट कर रहा है। क्या बात है, जिस तरीके से आज का एक दिन है 23rd September यानी कि नेशनल सिनेमा डे है, और आज सब लोगों को एक प्रिविलेज मिला 75 bucks में मूवी देख सकते हैं, तो क्या क्या इसका आपको फाइनल रिजल्ट आपको क्या लगता है, जो सिनेरियो क्रिएट हो चुका है उसके बारे में कुछ बताएं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इधर आया, मैंने देखा इधर एक फेस्टिवल जैसा माहौल हो गया था, बहुत अच्छा हो गया था, तो मुझे ऐसा लगा दिवाली सब एक साथ हो रही है, पब्लिक के मुँह में मैंने इतनी खुशी हैप्पीनेस नहीं देखा, सब इंजॉय कर रहे थे, कॉलेज स्टूडेंट्स, बच्चे, बूढ़े, एवरीबडी वॉज इंजॉइंग, मतलब इतना मज़ा उड़ा रहे थे कि मुझे आज से 10-12 साल पहले मैं जब गेटी में आता था तो मैं ऐसा नज़ारा देखता था पब्लिक का, जो मुझे आज वापस करंट देखने मिला। और मैं प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, एग्जीब्यूटर से ये
दर्श करूँगा कि अगर आप चाहे तो अपने पिक्चर के टिकट्स अगर ऐसे रखेंगे तो आप रोज़ दिवाली देखेंगे, रोज़ ईद देखेंगे और थिएटर फुल के फुल रहेंगे, लोग एकदम खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। और मैं इतने बच्चों के मुंह में खुशी देखा मैंने, एक एक बच्चों के, कॉलेज स्टूडेंट, मैंने तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं ऐसा देख रहा हूँ कि बहुत बड़ा एक मेला चल रहा है यहाँ पे जैसे। Exactly. और दूसरी चीज़, आज कौन सा हॉलीडे भी नहीं है, हम तो एक्सेप्ट संडे को ही ये सारी चीज़ें देखते हैं। या ऊपर से वर्किंग डे होने के बावजूद भी इतनी गर्दी, माय गॉड। मैं तो दरख्वास्त करूंगा प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर, एग्जीबिटर, हर चीज़ से, गवर्नमेंट से भी कि टैक्स थोड़ा कम किया जाए एंटरटेनमेंट का, तो लोग एंटरटेनमेंट का मज़ा उठाए और एंटरटेनमेंट भी ऊपर आवे। क्या बात है। चलिए ठीक है, लोगों से कैसे दरखास्त करेंगे मूवी को देखने के लिए? लोगों से मैं ज़रूर दरखास्त करूँगा, ये एक नया चैप्टर है, न्यू मूवी है, नई स्क्रिप्ट, नई स्टोरी है। और आर बाल्की को तो पूरी दुनिया जानती है, आर बाल्की भी एक अपने में ब्रांड है, बहुत अच्छे डायरेक्टर है जो हर एक सब्जेक्ट, न्यू सब्जेक्ट लेके आते हैं, उनकी हर मूवी अपने से हटके होती है, अलग होती है। I'm a big fan of R. Balki sir and I'm hats off to R. Balki who has made a such a good movie, entertainment movie and very good movie.